फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने ना मोर देखा, काफ़ी बड़े बड़े से दो उड़ कर इस साइड के हम लोग के आवाज़ सुनकर ठीक है। पूरा जंगल मस्त है, पूरे नेचर के बीच में है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, पूरा हरा भरा। हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई सुबह के 9:30 बजे। मेरा नाम विवेक और अभी मैं आया हूँ मिर्ज़ापुर में अपने फार्म लैंड पर अपने कज़न ब्रदर्स के साथ। मेरे साथ आए हैं विक्रम और राहुल। और अभी हम लोग ये जो खेत है ना हम लोगों का, ये है पूरा पहाड़ से सटा हुआ है, इस साइड में पहाड़ है और आने का रास्ता पूरा जंगल से घिरा हुआ है। तो ये जगह मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, यहाँ पर ढेर सारे मोर हैं, पक्षी रहते हैं। अभी देखिए ये नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के छांव में हूँ और इस साइड में हमारे खेत में काम चल रहा है। विक्रम उसको ट्रैक्टर को चला रहा है, राहुल उसको पीछे बैठ कर वो थोड़ा कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो गोबर के खाद होते हैं ना सड़े वाले, वो है वो फैलाया जा रहा है। इसके बाद जुताई होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किया जा रहा है। और ट्रस्ट मी लाइक फार्मिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ बिजनेस, बट आई थिंक इट्स अ टफेस्ट बिजनेस क्योंकि यहाँ पर धूप हो कुछ, अभी तो मौसम ठीक लग रहा है, बादल है, धूप नहीं है, बट ट्रस्ट में अगर ये धूप होता ना तो हालत ख़राब हो जाती। और हम लोग इधर से शॉर्टकट से आ गए, बट ये ट्रैक्टर लाने में विक्रम को लगभग 40 से 45 मिनट लग गए, जो कि हमें 8 से 10 मिनट लगे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर हर जगह नहीं जा सकती। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, क्रॉस नहीं हो सकता, ट्रैक्टर पूरा घूम कर आया है और ये पूरा करने में काफ़ी बड़ा है, तो ये करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, लाइक 1-1.5 घंटे इसको फैलाने में लगेगा। फिर ये इसको करने के बाद यहाँ किनारे जुताई शुरू हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे होता है, और मैं कोशिश करूँगा ना कि आज मैं भी ट्रैक्टर को चलाऊँ, मैंने कभी चलाया नहीं है, तो ट्राई करते हैं खेत में चलाना, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि इधर उधर जाने का डर नहीं रहेगा। चलिए थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ, वेट करता हूँ इन लोगों का, ये जब पूरा खाद फैला लें उसके बाद फिर हम चलाएँगे। तो देखिए ये फार्म लैंड है, जो खेत है ना इसके अंदर पूरा खाद डला हुआ है, जो नेचुरल खाद होता है ना, ये इसमें गोबर का सड़ा हुआ जैसे यहाँ रखा हुआ है, ऐसी जगह जगह डाला हुआ है। तो विक्रम ट्रैक्टर से उसे ना बराबर कर, मतलब हर जगह फैला रहा है, तो कुछ उसका वजन कम पड़ रहा था जो जिसे फैला रहा है, तो राहुल पीछे बैठा हुआ है, ये देखिए पीछे बैठ कर थोड़ा सपोर्ट दे रहा, तो ये फैल रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ, अब ट्रैक्टर मेरी बारी है और इसको मैं ना वहाँ ऊपर चढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम, देखते हैं मैं चढ़ा पाता हूँ कि नहीं, उसके बाद वो वाला खेत एक राउंड और जुताई होगा। जय माता दी। Thank you.
बता रहे। बोले चढ़ गया। फ्रेंड्स अभी हमने ढेर सारी जुताई करी खेत में, मजा आ गया और मुझे ट्रैक्टर भी चलाने आ गया और खेत जितने भी आ गया तो ये दिख रहा है ना, इसमें मैं काफ़ी चलाया। और ये नीचे वाली है जो सबसे पहले था वो भी, और ये सबसे स्ट्रगल होता है ट्रैक्टर में कि ये चढ़ाई थी, चढ़ नहीं पा रही थी तो फिर हमने गियर वगैरह चेंज करके हाई लो होता है ना ट्रैक्टर में, तो पहले लो में चलाते हैं क्योंकि लो में कहीं भी चढ़ जाती है, बट उल्टा हुआ यहाँ पर लो में नहीं चढ़ पा रही थी। फिर हम लोगों ने हाई करा, हाई पर एकदम एक्सीलेटर लेके चढ़ाया, चढ़ गया। और ट्रस्ट मी, मैं ये लाइफ बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। हालांकि ये एक दो दिन इन्जॉय करने घूमने फिरने के लिए ठीक है, बट जो रेगुलर होता है ना, रेगुलर ये कर रहा किसान वो कर रहा, उसको काफ़ी पेन होता, तकलीफ़ होता है क्योंकि अभी पिछले 2 साल से ना बारिश नहीं हो रही प्रॉपर, मतलब सही से समय पर नहीं हो रही है तो फसल सूखा पड़ जा रहा है, फिर कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं बह जा रहा है लाइक बाढ़ की वजह से, तो ये स्ट्रगल्स तो होता है किसानों के साथ। फ्रेंड्स अभी हम लोग का जुताई वाला काम हो गया है और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि जो जो चीज़ें फाल था, फाल के ऊपर से क्या बोलते हैं जो वो खाद को फैला रहा था, करहा कुछ बोलते हैं, वो उसको लगा कर अभी इस बार मैं ट्रैक्टर से जाऊंगा। पिछली बार आया था बाइक से, हम और राहुल इस साइड से आए थे, बट इस बार मैं ट्रैक्टर से जा रहा हूँ क्योंकि ये जंगल से होते हुए निकलना है ना, ऐसे घूमते फिरते जाएंगे और आप लोग को भी दिखाऊंगा कैसे ट्रैक्टर जंगल झाड़ियों में से बिना एक्चुअली रोड है नहीं तो ऐसे ही निकलते निकलते जाएंगे, तो घूमते फिरते निकलेंगे। चलिए विक्रम उधर गया ट्रैक्टर लगा रहा, बस वहीं पर सामान लग जाएगा उसके ऊपर, उसके बाद निकला जाए यहाँ से। अभी शाम के बजे 7:30 और दिन में आज हमने ये चलाया नहीं था, तो अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा ट्राई करने के लिए क्योंकि आज ट्रैक्टर चलाया था और थोड़ी थकान हो गई थी, सो गए थे, तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था तो हम लोग मौसम इंजॉय करने लग गए थे, तो अब थोड़ा अंधेरा हो गया तो निकल रहे हैं। चलिए थोड़ा आते हैं एक चक्कर लगा कर। I
please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे पर और ये 6 लेन हाईवे है और फर्स्ट टाइम वो भी रात में मैं गाड़ी लेकर आया हूँ यहाँ पर और चला रहा था, मज़ा आया और अच्छा खासा चला लिया। लगभग यहाँ से 15-16 किलोमीटर मैं गया था और अभी वापस जा रहा हूँ 15-16 किलोमीटर, तो लगभग 30-32 किलोमीटर चला लिया हमने और यहाँ से भी जाना हम लोग को 7-8 किलोमीटर और आगे जाना है, तो अच्छा खासा चल गया और कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो सही हो गया। और विद इन अ वीक मैंने ट्रैक्टर भी चला ली और ये मिनी ट्रक भी चला लिया और जल्द ही मैं जो SUVs होती हैं वो चलाऊंगा। तो इटली जाने से पहले मैं अपना पूरा हाथ साफ़ कर लूँगा और उसके बाद फिर अपना जो लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करा लूँगा ताकि मैं वहाँ पर भी चला सकूँ। फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और अब जा रहा हूँ मैं वीडियो एडिट करने के लिए और एडिट करूँगा, फिर खाना पीना खाएँगे, फिर सो जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग इधर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।